गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश। आपने इंग्लिश में ये टॉपिक किया हुआ है, हिंदी में सिक्स क्लास में आपको ये टॉपिक पहली बार आता है अपठित गद्यांश। अनसीन पैसेज कंप्रिहेंशन आपने इंग्लिश में किया हुआ है, हिंदी में करते वक्त थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अपठित गद्यांश, सबसे पहले अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? जो पहले से पढ़ा ना हो, जो आपकी बुक का पढ़ा हुआ पाठ ना हो, सीन पैसेज ना हो, अपठित गद्यांश। ये किसी भी कहानी में से हो सकता है जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है, और इसे पढ़ते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है कि अपठित गद्यांश जो भी आपको आता है, सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए कि उस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। नेक्स्ट, जब आप उसे पढ़ते हो तो उसे अच्छी तरह से, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सभी बातें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो आपको क्या प्रयास करना है कि क्या कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो दो बार पैराग्राफ पढ़कर ध्यान से उनके उत्तर देने हैं, कि जब भी आप उनके उत्तर लिखते हो तो वो कम से कम जितना हो सके अपने शब्दों में या कम से कम शब्दों में देने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें उसका शीर्षक पूछा जाए कि इस गद्यांश का क्या शीर्षक है, शीर्षक हेडिंग, तो पूरे पैराग्राफ को पढ़कर उसके बाद आप उसका उत्तर दोगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए आपको पैराग्राफ दिया है जिसमें मोर एक सुंदर पक्षी है, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए वह आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आंखें छोटी छोटी होती हैं। इसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है, इसके पंखों पर आधे चांद के निशान होते हैं, लेकिन इसके पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है, मोर का नृत्य मनमोहक होता है। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं नीचे, आप उनके उत्तर दोगे। भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो आंसर है मोर को। मोर आकाश में ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि उसका शरीर भारी होता है। मोर क्या क्या खाता है? दाना और कीड़े मकोड़े। पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि उसी पैराग्राफ में से कोई ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर है पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो चिड़िया और खग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने पहले आपको बताया कि इसका उचित शीर्षक क्या है, अगर इस पैराग्राफ को पढ़कर आप इसको हेडिंग दोगे तो क्या हेडिंग दोगे, कि ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है, कि मोर के, तो आंसर क्या होगा? मोर। आपको इसके साथ मैं एक्स्ट्रा अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश भेज रही हूँ, आप कोशिश करना कि उनमें से उनको ध्यान से पढ़कर उनके आंसर खुद देना। थैंक यू।